राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बाद में कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ रही है। हम अभी खड़े हुए हैं उदयपुर के गांधी ग्राउंड में। यहां पर महिलाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। पहले देख लीजिए कितनी महिलाएं यहां पर आई हुई है। अब इसके बाद कारण बताते हैं कि आज एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें ग्रामीण पंचायती राज मंत्री रमेश जी मीणा भी पधारे हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर है। यहाँ पर जिले भर की 20 क्लस्टर से करीब 12,000 महिलाएं आई हैं जिनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसमें 5,000 महिलाएं ऐसी है जो पहले से ही आत्मनिर्भर बनकर कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़कर कार्य कर रही है। हमारे साथ में महिलाएं भी जुड़ी हुई है, इनसे पूछेंगे आप क्या काम करते हैं और यहाँ पे किस लिए आए। मैं सैनिटरी पैड बनाती हूँ जिससे महिलाओं को वितरण करती हूँ स्कूल में, आंगनवाड़ी में, ऐसे मेरे वितरण करने का प्रोजेक्ट है। सरकार ने ऐसी योजना निकाली कि हर महिला तक सैनिटरी पैड पहुंचे और महिलाओं को है ना बीमारियों से बचाया जा सके, तो ऐसा एक प्रोजेक्ट आया। एक सर ने मेरे को बताया है ना, अक्षय सर की एक मूवी है पैडमैन, उस मूवी को देख के आप इस प्रोजेक्ट को अगर चालू करना चाहो तो कर सकते हो। यूँ तो मैंने उस मूवी को देखा, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने, फिर हमने निश्चय किया कि महिलाओं के लिए हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे और इस काम को हम करेंगे। राजीव का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए प्रोजेक्ट बन के आया। और मेरा एक सपना है कि अक्षय सर की मूवी देख के मैंने इस प्रोजेक्ट को किया है, अक्षय कुमार सर से मैं मिलना चाहती हूँ। तो ये आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर, ये एक कहानी नहीं, ये इस तरह से यहाँ पर 5,000 महिलाएं आए हैं। कोई 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 अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कोई कपड़े से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई मसाला उत्पादन कर रहा है, कोई नमकीन उत्पादन कर रहा है, सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका तरफ से ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मंत्री भी पहुंचे हैं और ये संवाद चल रहा है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।